बारिश के मौसम में पहाड़ों पर होने वाली मूसलाधार बारिश के चलते तराई इलाकों में बहने वाली नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे नदी के तट पर बसे लाखों ग्रामीणों के घर, मकान, खेत के साथ ही गांव के गांव सब कुछ बाढ़ के गाल में समा जाते हैं। यहां तक कि बाढ़ से बचाव के लिए बने तटबंध भी बाढ़ की तेज धारा से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बसा यूपी का बहराइच जिला भी बाढ़ग्रस्त इलाकों की श्रेणी में आता है। हर साल आने वाले बाढ़ से बहराइच जिले की चार तहसीलों की लाखों की आबादी को इस त्रासदी से जूझना पड़ता है। इस बार बाढ़ के सैलाब से निपटने के लिए बहराइच जिले की जिलाधिकारी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नदी के किनारे बसे गांवों और तटबंधों पर बांस के पेड़ों का वृक्षारोपण कराने का मास्टर प्लान बनाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने क्या कुछ जानकारी दिया, भी सुनिए। आपने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको बचाने के लिए आपने कोई पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया, उसमें क्या तैयारियां करने वाली हैं और क्या है उसके पीछे? जनपद बहराइच में अक्सर जो है वो बाढ़ आती है और बहुत सारे जो गांव हैं हमारे और लगभग चार तहसीलें जो होती हैं वो इससे बाढ़ से हर बार प्रभावित होती हैं। तो आपके पास जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें बांस रोपण पे जो है अत्यधिक बल दिया गया है और इसमें ऐसे गांव जो कि नदी के किनारों पर स्थित है, जो कटान से प्रभावित हुए हैं, उनको सिंचाई विभाग, वन विभाग और मनरेगा के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से ये बांस का वृक्षारोपण कराया जाएगा। इससे दो तीन फायदे होंगे, एक तरफ जहां कटान रुकेगा और दूसरी तरफ जो है संबंधित किसान होंगे उनकी आय में भी वृद्धि। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।